नमस्कार। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से। ताज होटल के पास रोड में भरे पानी से महिला के साथ बदसलूकी की गई है। मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत, इसके अलावा एसीपी अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही गोमती नगर थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज समेत चौकी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कल ताज होटल के पास बने अंडरपास में बारिश का पानी भर गया था, जिसमें कुछ अराजक तत्वों ने हुड़दंग करते हुए एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। ऋषभमणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषभमणि, बड़ा एक्शन सीएम योगी ने यहाँ पर लिया है और कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, साथ ही साथ जो आरोपी थे उन पर भी कड़ा एक्शन लिया गया है। जी हाँ शीनम, देखिए बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी। राजधानी लखनऊ का सर झुका दिया था उन वीडियोज ने, जिस तरह से पानी में हुड़दंग कर रहे थे कुछ लोग। वहां से युवक युवती जा रहे थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, युवती के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसको पानी में गिरा दिया जाता है। युवक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, उन लोगों से रहम की भीख मांग रहा था। और उस पर पहले गोमती नगर पुलिस की ओर से हल्की धाराओं में FIR दर्ज हुई थी। जब न्यूज 18 ने इस मामले को उठाया है, उसके बाद उसमें छेड़छाड़ की धारा बढ़ाई गई, 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी लिया गया त्वरित कार्रवाई करते हुए। लेकिन इतना सब तब हुआ जब तक डीजीपी के स्तर से संज्ञान लिया गया था और पुलिस कमिश्नर को ताकीद दी गई थी कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदन भी चल रहा है, सारे नेता मंत्री यहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के स्तर से भी इसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद डीसीपी ईस्ट प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत जो आईपीएस अफसर है, अंशु जैन जो एसीपी प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज के अफसर है, इन तीनों को वहां से हटा दिया गया है। गोमती नगर के जो SHO है दीपक पांडे, वहां के जो चौकी इंचार्ज हैं कपिल कुमार, ऋषि विवेक जो सब इंस्पेक्टर हैं, और 2 उनके कांस्टेबल, उनको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। तो ये बात कहीं ना कहीं अब सामने आ जाती है कि पुलिस की चूक जरूर हुई है। जब वहां पर पानी भर गया था, वहां पर हुड़दंग चल रहा था, तो वहां जो चौकी बनी हुई थी, चौकी पर जो दरोगा और कांस्टेबल की तैनाती थी, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। हालांकि जब मामला मीडिया में आया तो पुलिस वहां पर पहुंची है, पुलिस ने हुड़दंगियों को खदेड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी है और कहीं ना कहीं FIR दर्ज करने में भी संवेदनशीलता नहीं। अभी जो इस वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं, क्या अभी और भी लोगों पर मामला दर्ज हो सकता है? क्योंकि कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन क्या इस वीडियो के आधार पर भी उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने ये हरकत की है? जी शीनम, बिल्कुल आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। कल रात को ही 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे, भोर में 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जैसी जानकारी है उसके मुताबिक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है राजधानी लखनऊ में, और कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। लोगों को वीडियो से पहचाना जा रहा है, जिनकी शिनाख्त हो रही है, जिनके बारे में पुख्ता जानकारी मिल रही है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जो पहले हल्की धाराओं में FIR दर्ज थी, उसको विवेचना के दौरान और सख्त कर दिया गया है। उसमें छेड़छाड़ की धारा बढ़ा दी गई है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 है वो उसमें बढ़ा दी गई है, और अब सख्त कार्रवाई का इशारा कर दिया गया है। लिहाजा पुलिस सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है, और साथ ही साथ पुलिस अफसरों और जो इंस्पेक्टर सिपाही लेवल के भी अफसर हैं, उनको भी ये एक संदेश चला जा रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश है यहाँ से। आप नजर बनाए रखिएगा, किसी भी अपराधी के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, ये एक बड़ा संदेश यहाँ पर सरकार ने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभमणि। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान लड़की से छेड़खानी केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों को, मोहम्मद अरबाज और विराज साहू को, गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही पुलिस ने FIR में छेड़खानी की धाराएं भी लगाई हैं। दारोगा ऋषि विवेक की ओर से दर्ज FIR में 15-20 अज्ञात लड़कों को आरोपी बनाया गया है। गोमती नगर पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने होटल ताज के पास बारिश के पानी में हुड़दंग करते हुए लड़की से छेड़खानी कर उसे बाइक से पानी में गिरा दिया था।
तो चार आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी के आरोपियों की पहचान की जा रही है इस वीडियो फुटेज के आधार पर और उन पर भी एक्शन होगा। जो जो लोग पहचान में आ रहे हैं उन्हें एक एक कर पकड़ा जा रहा है।